Your Royal Highness, Excellencies, Ladies and Gentlemen, Friends, Namaskar. Good evening. May His Majesty the King and Custodian of two holy mosques और मेरे भाई हिज रॉयल हाइनेस द क्राउन प्रिंस का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस फोरम में भाग लेने का निमंत्रण दिया. सऊदी अरेबिया और यहां स्थित पवित्र मॉस्क दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है. यह भूमि वर्ल्ड इकोनॉमी का भी ऊर्जा स्रोत रही है. आज रियाद के इस ऊर्जावान शहर में आपके बीच में मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है. फ्रेंड्स, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के विषय से ये स्पष्ट करते हैं, इस फोरम का उद्देश्य सिर्फ यहां के अर्थतंत्र की ही चर्चा करना नहीं है, बल्कि विश्व में उभरते ट्रेंड्स को समझना और उसमें विश्व कल्याण के रास्ते ढूंढना भी है. इसी कारण यह डायनेमिक प्लेटफॉर्म बिजनेस वर्ल्ड कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है. सिर्फ 3 साल के कम समय में ही इस फोरम ने लंबा सफर तय किया है. मेरे मित्र और भाई क्राउन प्रिंस इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं. उनके इस फोरम को दावोस ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है. पिछली शताब्दी में सऊदी अरब के लोगों की मेहनत और कुदरत की नेमत ने डेजर्ट के रेत को सोना बना दिया. अगर चाहता तो सऊदी अरब का नेतृत्व पर आराम से बैठ सकता था, मगर आपने आने वाली कई पीढ़ियों के बारे में सोचा, भविष्य की चिंता की, पूरी मानवता का ख्याल किया. हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. उन्होंने इस फोरम का नाम ही फ्यूचर नहीं रखा, बल्कि इसकी पूरी संकल्पना फॉरवर्ड लुकिंग है, भविष्य के प्रति उन्मुख है. ऐसे में उनका भाई और पड़ोसी होने के नाते इस उम्दा इनिशिएटिव में दुनिया की सबसे तेज विकासमान बड़ी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए स्वाभाविक ही है. फ्रेंड्स, मैं आपके बीच भारत के लोगों की शुभेच्छाएं लेकर के आया हूं. हमारा सऊदी अरब से नाता हजारों वर्ष का रहा है. ऐसी दोस्ती रही है जैसे आप कहते हैं सदाखतकुम, कि एक दूसरे के वहां हमें अपनापन लगता है. हमारे ऐतिहासिक संबंधों और संपर्कों ने हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत बुनियाद भी रखी है, और आज हमने क्राउन प्रिंस के साथ बातचीत में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की स्थापना करके अपने संबंधों को नई ऊंचाई प्रदान की है. हिज मैजेस्टी द किंग और हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस के मार्गदर्शन में हम संबंधों में अप्रत्याशित प्रगति और अपनापन ला पाए हैं. मैं उनके प्रयासों के लिए, भारत के प्रति उनके अपनत्व के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं. साथियों, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में आज मुझे व्हाट इज नेक्स्ट फॉर ग्लोबल बिजनेसेस और उसमें भारत उभरते अवसरों और संभावनाओं
हमारी अपेक्षाओं और लक्ष्यों पर अपनी बात रखने का अवसर मिला है। भारत ने अगले 5 साल में अपनी इकोनॉमी को दोगुनी करके $5 ट्रिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। ऐसे समय में तो यह विषय और भी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो जाता है। साथियों, आज जब भारत में हम विकास को गति देना चाहते हैं तो हमें उभरते हुए ट्रेंड्स को अच्छी तरह समझना होगा, और इसलिए आज मैं आपसे ग्लोबल बिजनेसेस को प्रभावित करने वाले 5 बड़े ट्रेंड्स के बारे में बात करना चाहूंगा। पहला ट्रेंड है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का प्रभाव। दूसरा, ग्लोबल ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस। तीसरा, ह्यूमन रिसोर्स और फ्यूचर ऑफ वर्क में तेजी से हो रहा बदलाव। चौथा, कंपेशन फॉर एनवायरमेंट। और पांचवा ट्रेंड है बिजनेस फ्रेंडली गवर्नेंस। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बढ़ते हुए प्रभाव के हम चश्मदीद गवाह हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी, ये रिसर्च से आगे बढ़कर आज रोजमर्रा के जीवन का भाग बनती जा रही है। टेक्नोलॉजी के इस बदलाव का उन समाज को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जिनमें नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने और उन पर फ्यूचर इनोवेशन का कल्चर विकसित हुआ है। भारत में हमने इस कल्चर को मजबूत करने के लिए अनेक स्तरों पर प्रयास किया है, चाहे वह युवाओं के लिए स्टार्टअप चैलेंजेज हो या हैकेथॉन्स हो या फिर स्कूल चिल्ड्रन के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स, जहां वो इनोवेशन को खुद अनुभव करते हैं। आज भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर टेक एंटरप्राइज एक व्यापक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। हमारे इन प्रयासों के नतीजे भी आना शुरू हुए हैं। आज भारत दुनिया का 3रा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। भारत के Tier 2 और Tier 3 शहरों में भी स्टार्टअप्स उभर करके आए हैं। भारत में $1 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन वाले यूनिकॉर्न्स की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे कई स्टार्टअप्स वैश्विक स्तर पर निवेश करने लगे हैं। इंडियन स्टार्टअप्स आर एजिंग एवरीथिंग फ्रॉम फूड डिलीवरी टू ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटैलिटी टू मेडिकल ट्रीटमेंट टू टूरिज्म, और इसलिए विश्व के सभी इन्वेस्टर्स खासकर वेंचर फंड से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम का लाभ उठाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि भारत में इनोवेशन में किया गया निवेश सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, और ये रिटर्न्स सिर्फ भौतिक नहीं होंगे बल्कि युवाओं को एम्पावर करेंगे। फ्रेंड्स, वैश्विक बुद्धि और बिजनेसेस के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लायर है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ बिजनेस को निवेश के व्यापक अवसर देता है तो दूसरी ओर बिजनेस की वृद्धि के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है, अनिवार्य है। साथियों, दुनिया में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अवसर सबसे ज्यादा विकासशील देशों में है। एशिया में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रति वर्ष $700 बिलियन के निवेश की जरूरत है। भारत में हमने अगले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में $1.5 ट्रिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा है, और फिर आज हम
इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में साइलोस में नहीं सोचते, बल्कि हमारा प्रयास इंटीग्रेटेड अप्रोच का है। वन नेशन वन पावर ग्रिड, वन नेशन वन गैस ग्रिड, वन नेशन वन वाटर ग्रिड, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, वन नेशन वन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ऐसे अनेक प्रयासों से हम भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट कर रहे हैं। हमने हर भारतीय को घर देने का और हर घर तक बिजली और नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की अपनी स्पीड और स्केल को भी हमने अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है और इसलिए भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ डबल डिजिट में रहेगी और इसमें कैपेसिटी सैचुरेशन की कोई संभावना नहीं है। इसके कारण निवेशकों को लंबे समय तक रिटर्न भी सुनिश्चित रहेगा। साथियों, तीसरा ट्रेंड यानी ह्यूमन रिसोर्स और फ्यूचर ऑफ वर्क में आ रहा बदलाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट के निर्णय क्वालिटी मैन पावर की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं, साथ ही स्किल मैन पावर किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन का मानदंड बन जाता है। ऐसे में तेजी से लोगों को स्किल्ड करना हमारे सामने एक चुनौती है। जिस तरह नेचर ऑफ वर्क में बदलाव आ रहा है, उससे आने वाले सालों में हमें लोगों को कई बार रीस्किल करना पड़ेगा। लर्न अनलर्न एंड रीलर्न के साइकिल जरूरी बन जाएंगे। फ्रेंड्स, भारत के स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज को दुनिया भर में आदर और प्रतिष्ठा मिले हैं। भारतीय टैलेंट ने यहां सऊदी अरेबिया में अनुशासित कानून का पालन करने वाले परिश्रमी और कुशल कार्यबल के रूप में अपनी अनूठी पहचान बनाई है। भारत में स्किल का विकास करने के लिए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन तैयार किया है और उस पर लगातार काम कर रहे हैं। स्किल इंडिया इनिशिएटिव के माध्यम से हम अगले 3-4 वर्षों में 400 मिलियन लोगों को विभिन्न स्किल्स में ट्रेन करेंगे। भारत में निवेश करने वाली कंपनीज को इससे एश्योर स्किल मैनपावर मिलेगा। साथियों, स्किल मैनपावर का आवागमन आसान बनाने से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। मैं मानता हूं कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स को सिर्फ गुड्स तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि मैन पावर और टैलेंट मोबिलिटी को भी उसका अभिन्न अंग बनाकर उसमें सरलता लानी चाहिए। फ्रेंड, चौथा ट्रेंड यानी कंपेशन फॉर एनवायरमेंट, ये ट्रेंड ही नहीं है बल्कि हमारे समय की प्रमुख आवश्यकता भी बन गई है। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव और क्लीन ऊर्जा का महत्व इतने व्यापक है कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाले सालों में हमारा एनर्जी कंजम्पशन का पैटर्न और बदलेगा। कोल से ऑयल और ऑयल से गैस और फिर रिन्यूएबल्स की तरफ झुकाव बढ़ता जाएगा। ऊर्जा की खपत और ऊर्जा की बचत दोनों ही महत्वपूर्ण होंगे और स्टोरेज भी एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की चुनौतियां भी बढ़ती जाएगी। इसी को समझते हुए भारत में हम गैस और ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी मात्रा में निवेश बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2024 तक हमारा रिफाइनिंग पाइपलाइंस और गैस टर्मिनल्स में $100 बिलियन तक के निवेश का लक्ष्य है। मुझे खुशी है
कि सऊदी अरामको भारत में वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट, जो एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी होगी, उसमें निवेश करने का निर्णय लिया है। हमने हाल ही में डाउनस्ट्रीम सेक्टर में खास करके रिटेलिंग में निवेश के नॉर्म्स को लिबरलाइज किया है, जिससे इस क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ेगा। इसके अलावा हमने रिन्यूएबल्स में 175 गीगावाट ऊर्जा पैदा करने का जो लक्ष्य रखा था, उसे भी आने वाले वर्षों में बढ़ाकर 450 गीगावाट तक ले जाने का तय किया है। भारत की तेज गति से बढ़ती इकोनॉमी के लिए ऊर्जा में निवेश बहुत जरूरी है और हम यहां मौजूद एनर्जी कंपनीज से इन अवसरों को का लाभ उठाने का अनुरोध करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवा ट्रेंड यानी सरकार की बदलती भूमिका और उसका फ्यूचर ऑफ बिजनेस पर प्रभाव भी बहुत व्यापक है। मेरी एम्फेसिस हमेशा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पर रही है। मैं समझता हूं कि कॉम्पिटिटिव इनोवेटिव और डायनेमिक बिजनेस सेक्टर के लिए एक प्रोएक्टिव ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट अच्छे फैसिलिटेटर का रोल अदा कर सकती है। स्पष्ट नियम और फेयर सिस्टम प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। इसी सोच और इसी अप्रोच के साथ भारत में पिछले 5 सालों में हमने कई मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं। एफडीआई पॉलिसी को सुगम और लिबरलाइज करने के कारण आज भारत फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा डेस्टिनेशन बन गया है। बीते 5 साल में भारत में 286 बिलियन डॉलर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये बीते 20 साल में भारत के टोटल एफडीआई इनफ्लो का लगभग आधा है। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड या देशव्यापी एक टैक्सेशन सिस्टम हमने मुश्किल से मुश्किल डिसीजंस लिए हैं और उसे लागू किया है। आज भारत का टैक्स स्ट्रक्चर और आईपीआर रेजिम विश्व के सबसे अच्छे बिजनेस रेजिम के साथ कंपेरेबल है। ऐसे ही सुधार के कारण हर ग्लोबल रैंकिंग में भारत निरंतर बेहतर प्रदर्शन करता जा रहा है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 रैंक का जंप, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 24 नंबर का सुधार, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 2014 में हम 142 पर थे, उससे ऊपर उठकर आज 2019 में हम 63 के नंबर पर पहुंच चुके हैं। लगातार तीसरे साल हम दुनिया के टॉप 10 रिफॉर्मर्स में आज हमने अपना स्थान बनाया है। हमने 1500 से ज्यादा ऐसे पुराने कानूनों को भी समाप्त कर दिया है जो विकास में अड़चन पैदा कर रहे थे। साथियों, पिछले 4-5 साल में एडिशनल 350 मिलियन से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम्स के साथ जोड़ा गया है। भारत में आज लगभग हर नागरिक के पास यूनिक आईडी, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट है। इस व्यवस्था के कारण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में ट्रांसपेरेंसी से 20 बिलियन डॉलर से अधिक का लीकेज बंद किया जा सका, यानी 20 बिलियन डॉलर की बचत हुई। स्वास्थ्य किसी भी सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस क्षेत्र में क्वालिटी ऑफ सर्विस बढ़ाने के लिए भारत ने
कई कदम उठाए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हेल्थ केयर प्रोग्राम आयुष्मान भारत 500 मिलियन यानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की कुल आबादी से ज्यादा लोगों को हेल्थ कवर देता है। यही नहीं, इस योजना के कारण भारत में हेल्थ केयर में निवेश की अपार संभावनाएं बढ़ गई हैं। आज भारत सबसे बड़ा हेल्थ केयर कंज्यूमर और क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी है। स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी के उपयोग ने क्रांति ला दी है। इससे न सिर्फ इकोनॉमी के अवसर पैदा हुए हैं बल्कि करोड़ों लोगों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। साथियों, आज इस मंच से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत में प्रगति की रफ्तार और तेज होगी। हम देश के विकास से जुड़ा हर फैसला ले रहे हैं, न हमारी नीतियों में भ्रम है और न ही हमारे लक्ष्य में संदेह है। हमारे 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य का रोडमैप तैयार है। यह लक्ष्य सिर्फ क्वांटिटेटिव ग्रोथ का ही नहीं है पर हर भारतीय की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने का भी है। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ही नहीं, ईज ऑफ लिविंग में भी सुधार ला रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबल पॉलिसी और बड़े डाइवर्स मार्केट के कारण भारत में आपका इन्वेस्टमेंट सबसे अधिक लाभदायक रहेगा। फ्रेंड्स, हमारे साथी देशों का सहयोग हमारी विकास यात्रा का अभिन्न अंग है। सभी देशों के साथ पूरकता खोजकर और सिनर्जी बढ़ाकर हम विन विन सिचुएशन के लिए काम कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया के विजन 2030 और इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की योजनाओं में हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे। फ्रेंड्स, भारत की स्वतंत्रता को 2022 में 75 ईयर पूरे होंगे। हमने उस समय तक न्यू इंडिया बनाने का लक्ष्य अपने सामने रखा है। उस न्यू इंडिया में हर भारतीय की आंखों में नए सपने होंगे, दिल में नया संबल होगा और कदमों में नई ऊर्जा होगी। उस नए भारत में नया सामर्थ्य और नई क्षमता होगी। फ्रेंड्स, वह समर्थ और शक्तिमान भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति और उल्लास का स्रोत रहेगा। इतिहास साक्षी है कि भारत जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी था और सैन्य रूप से भी सबल था, तब भी हमने किसी पर दबाव नहीं डाला, किसी पर बल प्रयोग नहीं किया। भारत ने अपनी क्षमता और उपलब्धियों का पूरी दुनिया के साथ बांटा है, क्योंकि हमने पूरी दुनिया को एक परिवार माना है, वसुधैव कुटुंबकम। नए भारत में शक्ति नई होगी लेकिन उसके चिंतन में वही सनातन आत्मा झलकेगी। हमारा विकास विश्व में विश्वास पैदा करेगा, हमारी प्रगति परस्पर प्रेम बढ़ाएगी। विश्व कल्याण के इस सफर में भारत के साथ पार्टनरशिप करने के लिए मैं आपको, पूरे विश्व के बिजनेस को आमंत्रित करता हूं। मैं और मेरी टीम सदैव आपकी सहायता के लिए तत्पर है। आपने मुझे कुछ विचार साझा करने का अवसर दिया और मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। फिर एक बार क्राउन प्रिंस का, किंगडम का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।